फ्रेंड्स मैं कैसी लग रही? श्रेया मोमोज बना रही है आज, बोलती मम्मी मोमोज बना रहे। मैंने बिल्कुल बना लो, मोमोज खा लूंगी। सोच जब भी तुम लोग मंगवाते हो तो मैं कितना खाती हूँ। ऐसी चखती हूँ ना, एक उसमें से भी दे देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज पूरे घर में झाड़ू लगाई, आज नहीं मैं तो रोज ही लगाती हूं, तो मैंने बोला आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूं। आज श्रेया ने मोमोज भी बनाए हैं, तो चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और श्रेया मोमोज बनाइए, कैसे लगते हैं खाने में, तो आप लोग बने रहिए। अरे वाह श्रेया, ये मोमोज बन रहे हैं देखो। अच्छे से करना। मोमोज बन रहे हैं। चटनी बन गई? कपकी चटनी दिखा दो। ओ, इतनी रेड रेड चटनी। ये बाल में, बाल में तो बड़ा अच्छा लगा है। क्या लगा है ये? बढ़िया है। फ्रेंड्स मैं कैसी लग रही? श्रेया बना रही है मोमोज बड़े दिन। मैंने अपनी पूछा मम्मी क्यों? हाँ, हमने ना पहले से ही पानी डाल उसमें चढ़ा गरम कर दिया था। श्रेया मोमोज बना रही है आज, बोलती मम्मी मोमोज बना रहे। मैंने बिल्कुल बना लो, बोलती मम्मी आप, हम लोग एक दो खा लेंगे, हम एक या दो ही खाएंगे, चखेंगे। खाने का मन बिल्कुल नहीं है श्रेया हमारा मोमोज। तो मम्मी ऐसे ही मेरा लेवल गिरा देती है, यही है बात है और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, मोमोज खा लूंगी। सोच जब भी तुम लोग मंगवाते हो तो मैं कितना खाती हूँ। ऐसी चखती हूँ ना, एक उसमें से भी दे देती हूँ कि खा लो तुम लोग, मेरे को नहीं खाना मन नहीं है मेरा। हाँ, बहुत लोगों को मोमोज पसंद होते हैं बट मुझे नहीं अच्छा लगता है। श्रेया तो भजन सुन रही थी। ए, मैं इधर बोल रही हूँ, श्रेया भजन सुन रही थी, तू कौन सा गाना लगा दी? अरे मौसी का स्टेटस देख रही थी। अरे मौसी का स्टेटस? होली में लोग डांस कर रहे हैं तो सरिता सरिता ने स्टेटस डाला है। आंटी नंबर वन। अच्छा डांस कर रही, कौन है? मैं अपने मोबाइल में देखूंगी स्टेटस। श्रेया होली है, कैसे कैसे गाने बजे हैं, सब लोगों ने खूब मस्ती की है। हम लोगों ने की, हमने बनाई सब्जी, सुबह सब्जी पूड़ी और अभी बन रही है, अभी बन रहा है मोमोज। और मैंने ना उस रूम में अंधेरा करके रखा है क्योंकि मैं लेट ही हुई थी। अपन एक चक्कर और एक अपन एक बार और चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं श्रेया ने कैसे मोमोज बनाए हैं। यहीं श्रेया किचन में खाओगे कि यहीं? बड़े बन गए, गजब 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 बन गए, बन गए। इतनी शोरी, टेस्ट करो। वाओ, जिसको जिसको मोमोज पसंद है जल्दी आ जाइए। तो देखो यहाँ पर हम बैक कैमरा करके बताते हैं। अच्छा ये देखो, ये देख लो, एक लाइट और चालू करके। हाँ, तो स्नैप करना चाहिए, सबको भेजूंगी। स्नैप बना रही है, ये देखो तीखे तो नहीं है ज्यादा। हुँ? आपके टमाटर को जैसे खट्टे हैं, चटनी खट्टी है तो कम कम खाना बेटा तुम्हें। चलो
चलो श्रेया का स्नैप बन रहा है। एक गाना पसंद आया, हमने ना रील भी बनाई थी उसमें, उस गाने में। तो अब हम सुबह से वही गाना गा रहे। तो श्रेया, तो श्रेया मम्मी काय गा रही हो, हम रोने लगेंगे ये गाना सुन करके। और वो गाना मैंने आज की वीडियो पर गाया भी है। चलो ओ, मेरे से बोली भूख लगी है, जल्दी जल्दी पानी लेकर आओ। दूध दूध कहाँ रखा है? दोबारा गर्म नहीं किया है तुमने? अपनी अपनी कैसे मत है, कोई हंसे कोई रोए, हाँ कोई हंसे कोई रोए। लाइट गोल, ओ लाइट गोल, चलो अपन उजाले में चलते हैं, आप टेंशन मत लो। श्रेया कुछ बिछाई नहीं मुझे, और मैं कैसी, मैं तो खा के बताएगी कि मोमोज कैसे बने हैं। श्रेया खा के बता, तू कैसे लग रहे हैं? ये खुल क्यों रहे हैं? ये देखो। चलो तो मैं खाकर बताती हूँ कि कैसे बने हैं। फर्स्ट मोमोज। श्रेया तुझे कितना अच्छा लग रहा है, अगर जो तुमने बनाए हैं और जो मार्केट में रहते हैं, मार्केट से अच्छे ही हैं, थोड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। मार्केट की चटनी ले आओ, मोमोज यही रहने दो। और यानी ये मोमोज अच्छे नहीं, मार्केट के ज्यादा अच्छे हैं तुम्हारे लिए। मोमोज घर के बनाए हुए अच्छे लगते हैं। हाँ। चटनी बाहर की रहती है अच्छी। अच्छा ये चटनी कैसी है? चटनी थोड़ी कम खाना, खट्टी बहुत है। छोटे टमाटर की चटनी बनी हुई है ना, तो खट्टी है। अब मत जाओ, चलो पढ़ाई करो, बैठ जाओ, मैं एडिटिंग करने जा रहा हूँ बेटा। जा। अरे उठ जल्दी इधर से, मेरे को बैठना है। नहीं समझ में आ रहा, पानी डाल, पानी डाल दूँगी। काम करने में बड़ा मजा आता है। हाँ बड़ा मजा आता है, और हमको मारने भी बड़ा मजा आता है। मारू मैं? उठ जल्दी उठ, देखो खराब हो जाएगा, तूने एक खराब कर दी है। बैठ जाएगी तेरी ऐसी भूत वाली। जा जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम है, यानी आज का दिन है, और आज पोछा नहीं लगाना है। मैंने चलो झाड़ू लगा लेते हैं सारी जगह, सिर्फ आज एक काम से तो बच गए कि पोछा नहीं लगाना है हमें। तो हम सारे घर में झाड़ू लगाते हैं और आप लोगों से बातें करते जाते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर। सभी लोगों ने होली में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है, पकवान जैसे गुजिया हो गया, मटरी हो गई, सलोनी हो गई, नमकीन हो गया, और भी चीज़ें बनी हैं, बट हमने ऐसी कोई चीज़ें नहीं बनाई थी। हमने पूड़ी सब्जी बनाई थी और बनाया मोमोज, जो कि श्रेया ने शाम को बनाया था, तो जो कि मैंने आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी ताज़ा ताज़ा ब्लॉग आ रहा है। कचरा उठाने वाला सूप ना टूट गया है, तो मुझे ऐसे ही हाथ से उठाना होता है। सूपे से थोड़ी आसानी हो जाती है, जल्दी से उठ जाता है। तो अब हम आ गए हैं बेडरूम में, यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेते हैं। मैंने इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों की रील्स देखी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब लोगों को खुश देख करके, मस्ती करते हुए देख करके, और अलग अलग सॉन्ग पर डांस करते हुए देख कर इतने अच्छे से लोग झूम रहे थे, इतने अच्छे से त्यौहार को मनाया, बड़ा बढ़िया सा लग रहा था देख कर। हम तो इसी में ही खुश हो गए थे। आने वाले ब्लॉग में आप लोग बस बने रहिएगा, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ का वेट कर रहे थे।
तो बस मैं इतना ही कहूँगी, आप लोग बने रहिएगा, सरप्राइज मिलेगा आप लोगों को। होली के दिन सुबह सुबह उठ कर के मैंने अपने बेड के साइड में देखा, क्योंकि शुक्ला जी की जगह तो मैंने ली हुई है अभी, और जब मैंने देखा तो मुझे खाली खाली सा लगा। लगता तो रोज है, पर ये दिन थोड़ा सा अनोखा है, क्योंकि सच बताऊं तो उनका पहला काम ये होता था, वो सारे रिश्तेदार जो कि उनके खास हैं, वो उन लोगों को होली विश करते थे। जो भी त्यौहार आता है ना, तो वो उनको फ़ोन लगा लगा कर सुबह सुबह विश करते थे, और उनके पास भी कॉल आते थे। तो मैंने देखा मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं था ऐसा, और सिर्फ मम्मी का कॉल, यानी छोटी कॉल डली हुई थी सुबह सुबह, तो मैंने उनका कॉल भी रिसीव नहीं किया, क्योंकि मैं उस समय सो रही थी। होली का दिन सुबह से ही मुझे थोड़ा सा उदास उदास सा लगा, क्योंकि त्यौहार के दिन और अकेलापन थोड़ा सा लगता है, याद आती है। पर कोई ना, हमने बस आप लोगों के साथ शेयर तो कर दिया था कल कि कैसे बीता था, और थोड़ा सा शाम का है जो मैंने शेयर कर दिया। यादें तो आती रहती है, यादों के सहारे जीना है। बस एकदम से अभी जैसे आप लोगों से बातें कर रही हूँ, काम कर रही हूँ घर का, या कोई रेसिपी या ब्लॉगिंग कुछ भी, यानी आप लोगों के साथ हूँ, और जब मैं अकेली रहती हूँ, और अगर मैंने एकदम से उस डीप से उस चीज़ में चली गई, तो हो सकता है कि शुक्ला जी अब कभी नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा लगता है कि क्या हो गया, फिर होश आता है। अभी इतना समझ में नहीं आता है, पर जब डीप से सोचती हूँ ना, तब लगता है, बिल्कुल आंखें खुल जाती हैं कि सच में ऐसा हो गया मेरे साथ, सच में मुझे उनके बिना सारी ज़िंदगी काटनी है, सच में अब वो कभी नहीं आएंगे, क्या वो मुझे देख रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और खुद से ही खुद बातें करती हूँ, दिमाग आउट हो जाता है। फिर उनके चैनल पर जाकर उनके पसंदीदा सॉन्ग सुनती हूँ, बस आंखों में आंसू होते हैं, मैं होती हूँ और वो होते हैं, तो ऐसे ही दिन बीत जाता है। तो कल का दिन मेरा कुछ ऐसे ही गया था, बट मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि त्यौहार के दिन मैं कुछ रोना धोना करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं तो फेस कर रही हूं। मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहती अपनी तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनके जाने के बाद मुझे यूट्यूब फैमिली ने ही सहारा दिया है। मेरी जो बोलते हैं ना, सबके घर में एक फैमिली होती है, परिवार होता है, मेरी फैमिली तो उसी दिन उजड़ गई थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। पर आप लोग हो जिनके सहारे मैं अभी जी रही हूँ, श्रेया है, आप लोग हो, मैं आप ही लोगों को अपना परिवार मानती हूँ। हमेशा बस ऐसे ही साथ रहना, क्योंकि रोज़ कुछ भी करती हूँ, क्योंकि कैमरे वाली लाइफ हो गई है ना, तो रोज़ कुछ ना कुछ करती हूँ ना, तो मुझे लगता है ये आप लोगों को अच्छा लगेगा, आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ, जो भी चीज़ बनाती हूँ, जैसे खाती हूँ, मैं सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे अकेले नहीं समझती हूँ। लगता है कि नहीं, शाम को 5 बजे आप लोग से मिलना है, आप लोग मेरा वीडियो देखोगे। पानी चढ़ा दिया है, मेरा वीडियो चल रहा है इनके मोबाइल पर, और मैं जाती हूँ नीचे झाड़ू लगाने के लिए। लास्ट काम वही बचा, फिर नहाने में मैंने भी सारा काम कर लिया है, अपना पूरा हो गया है, बस नीचे झाड़ू बची है, और ये थोड़े चावल है जो हम गाय को दे देंगे, वहीं के वहीं इतने हैं, क्योंकि मैं चावल थोड़ा बहुत बनाई थी अपने लिए, तो इतने से मैंने श्रेया को दिए थे, क्योंकि मेरा मन नहीं माना, मैंने लदे देती हूँ, क्योंकि उसको चावल दाल सब्जी पसंद है, चावल ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इतना सा दिया था, बट मैंने फिर दोबारा उसके सामने नहीं खाए थे, क्या कर सकते हैं, अगर उसके सामने खाओ तो वो भी मांगती है, इसलिए फिर मैं नहीं खाती हूँ, तो इतना बचा हुआ है तो मैं गाय को दे दूँगी। लाइट चली गई, अब मेरे को गैस भी चढ़ाना होगा, तो कोई नहीं, अब मैं नीचे झाड़ू लगाने जा रही हूँ, गैस पे रख देती हूँ। आज ठंड का मौसम है, चलो चलते हैं नीचे, पानी गिरने लगा है फिर से, तो चलो नीचे झाड़ू लगाने आ गई हूँ मैं। पानी रिमझिम रिमझिम हो रहा है, होली के त्यौहार में तो एक दो दिन आगे पीछे या उसी दिन पानी तो गिरता है। आप लोगों के यहाँ गिरा था पानी क्या? और यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ, और
कुछ ज़्यादा ही बारिश होने लगी थी तो मुझे वीडियो अचानक बंद करना पड़ा था। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक दिन ऐसा था कि यहाँ पर शुक्ला जी बैठते थे और इसी आंगन में हम सारा परिवार बैठता था, अच्छा लगता था। यहाँ पर शुक्ला जी की बाइक खड़ी होती थी, टू व्हीलर, यहाँ पर फोर व्हीलर खड़ी होती थी, सारे परिवार के लोग रहते थे। पर आज कुछ भी नहीं है, लॉक लगा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पानी रिमझिम हो रहा है और बस यहाँ झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना नहीं है क्योंकि गुरुवार है। मिलेंगे आप लोगों को कल, तब तक के लिए बाय बाय।